गाइस वो देखो वो ऊपर हम हेल्प कर रहे हैं ना यार। नहीं मत करो इतनी हेल्प, चल जाएगा मेरा व्लॉग। मैं अकेला नहीं करने दो। नहीं नहीं मेरे को नहीं तेरी नहीं यार। फैला दो फैला दो, बंद कर दे इसको। मेकअप ना After सबकी मुआ बनने के बाद crying, bridesmaids are crying. सब रो रहे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and today's vlog. Hope you all are doing absolutely well. Ignore the lighting. मेरे रूम में एसी लगने के बाद मेरा ट्यूबलाइट निकल चुका है। I have only one bulb to survive. इसीलिए थोड़ी सी लाइटिंग का इशू होगा। सो एज यू ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल कि मैं वेडिंग अटेंड करने वाली हूँ इस व्लॉग में एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग। मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये फर्स्ट मेरे फ्रेंड की शादी है जो मैं अटेंड करने वाली हूँ। मेरे पूरे ग्रेजुएशन वाले ग्रुप में किसी की भी शादी नहीं हुई और हम हमेशा यही बात करते कोई तो शादी कर लोगी ताकि हमें अटेंड करने का मौका मिले, और कोई शादी कर ही नहीं रहा था। सो मास्टर्स वाले ग्रुप में एक ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बट उस टाइम पे मैं असम गई हुई थी ट्रैवल करने, तो मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम खुद की फ्रेंड की शादी अटेंड करने वाली हूँ। एंड क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, बनारस वगैरह गई हुई थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था आने के बाद। इतना क्योस हुआ, इतने काम निपटाने थे, इतने ज़्यादा काम निपटाने थे कि मेरे पास टाइम ही नहीं था आउटफिट डिसाइड करने का। मैंने सोचा तो मम्मी की कोई साड़ी पहन लूँगी। मम्मी की साड़ी के साथ ब्लाउज़ की फिटिंग के काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे थे अभी शाम को। लाइक करेंटली इट्स 11:30 इन 9th of May, कल 10th of May को उसकी शादी है और मैं रात को दीदी को कॉल करी थी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी देर हम लोगों ने सोचा कुछ समझ में नहीं आया। दिस इज़ द भसड़ अभी भी मेरे पूरे रूम में ऐसा हुआ हुआ है। सो देन आई डिसाइडेड, मेरे पास एक गाउन है ब्लू कलर का, आपने शायद दीदी को पहने देखा होगा अभी हम एक वेडिंग में हमने स्विच किए थे हमारे गाउन, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और सोचना भी नहीं, तो मैंने वही डिसाइड किया कि मैं वही पहन लूँगी। सो उसकी शादी है सीहोर में, सीहोर भोपाल से पड़ता है, आई थिंक 2 से 2.5 आवर की दूरी में पड़ता है। तो मुझे कल जाना है, नाइट स्टे करेंगे, 11 को हम रिटर्न आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा अपने जो आउटफिट है वो पैक करना है, मेकअप पैक करना है और स्किन केयर थोड़ा सा पैक करना है। सो दैट्स द थिंग। एंड ऑल्सो आई एम PMSing, तो मेरे पैर जान दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग ही रहा है कि है, ऐसा लग रहा है काट के फेंक दूँ मैं, इतना ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। सो आई हैव टू डील विद इट और मैं फटाफट से पैक करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ अब सीधे सुबह। ओके हाय गाइस, इट्स 12:45 इन द आफ्टरनून। आई एम ऑल रेडी निकलने के लिए, सारी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया है और अभी हमें यहाँ से जाना है पहले बैरागढ़। मेरे साथ जा रही है अर्चना और आरती यहाँ से, तो वो मुझे मिलेंगे बैरागढ़ पे। तो सबसे पहले हमें लेना है उसके लिए गिफ्ट। सो हमने जो गिफ्ट डिसाइड किया था वो हमने ऑनलाइन मंगाने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हम लोगों को वो ऑनलाइन रिसीव नहीं हो रहा था उस डेट पे जिस डेट पे हमें चाहिए था। तो हमने डिसाइड किया कि हम बैरागढ़ मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट लेने के बाद फिर वहां से हमको बस लेनी है, वहां से बस लेके, और मैं आज गाड़ी लेके नहीं जा रही, तो मुझे पहले यहाँ से लेना पड़ेगा ऑटो, ऑटो पकड़ूंगी, फिर वहां से बस चेंज करूंगी और फिर मैं पहुंचूंगी पहले बैरागढ़। बैरागढ़ चलते हैं, मार्केट करते हैं, बैग लेते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे शादी के वेन्यू के। लेट्स गो गाइस, वी हैव अर्चना, वी हैव आरती। आरती से तो हजार साल बाद मिल रहे, हजार साल। दोनों डाकू हैं क्योंकि हम अभी बस पकड़ने वाले हैं बैरागढ़ से। वी गॉट आर गिफ्ट, कट्टा कहते हैं, वी गॉट आर गिफ्ट। इसमें हैंड बैग है जो हम अब आपको नहीं दिखा सकते, जैसे हमें अगर गिफ्ट रैप कराना है गाइस। बैग खरीदने के बाद हम उसे ये गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। अरे ऐसे करना चाहिए, इसको बड़े से बड़े डिब्बे में पैक कराओ और उससे बोलो ओपन करो स्टेज पे, अगर इसी में बैठ के चले जा, उसका पति चला है वो पीछे बैठ जाए। पूजा अगर तू ये व्लॉग देख रही है तो अगर तुझे पसंद आ रहे तो अभी भी बता दे, हम तुझे दे देंगे। गाइस चिलचिलाती धूप में अभी हमें पकड़नी 1.5 घंटे की बस, कट्टा। गाइस इसे कट्टा कहते हैं, कट्टा। गाइस तपती दोपहर में हम पहुंच गए हैं, 3:30 बज रहा है। एक हमारी एक गुमनाम आत्मा और आई है माधवी, उसको हमको ढूंढना है। गिफ्ट हमने पैक करा लिया है, मंदिर जैसा पैक करके दिया है अंकल ने गिफ्ट, मंदिर जैसा। मैं तो अपन क्या करेंगे थे? स्टेज पे चढ़ के उसी के हाथ में मंदिर पकड़ा देंगे और फोटो खिंचा लेंगे फटाक से।
सारे भाई है ना, पूजा आरती अर्चना सारे सारे मंदिर जैसे ही नाम है हमारे यहाँ। माधवी हाय बोल। इसके बच्चे को देखने के लिए हम शादी में आए, बच्चे नहीं लेके आई। 2 साल का इसका बच्चा हो गया, हमने आज तक इसके बच्चे नहीं देखा, इसने किया बीमार। हम लोग 5 बजे खा रहे हैं खाना। फैला दो बंद कर दे इसको मेकअप ना, जबड़े गौर से देखो, ऊपर ले आ मुंह गौर से देखो। ये माधवी की पुट्टी हो रही है अभी, दोनों बार बच्चे पुट्टी करने पुट्टी कर रहे हैं लोग, ये लोग मुझसे मेकअप सीख लो गाइस। नाउ हाय गाइस, आफ्टर सबकी मुआ बनने के बाद मैंने इन तीनों का मेकअप किया है। अर्चना मेरे हेयर के साथ स्ट्रगल कर रही है और कर्ल्स कर रही है, बट बहुत सुंदर कर्ल्स हो रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है स्ट्रेटनर से, बट बहुत सुंदर कर्ल्स है। और इसके भी कर्ल हुए हैं माधवी के, मैं आपको सबका लुक बाद में दिखाऊंगी पूरा। ये आर यू सेटिस्फाइड विद योर मेकअप मैम? वेरी वेरी सेटिस्फाइड। लाख लाख रुपए देना चाहिए इन लोगों को, मेरे को लाख लाख रुपए, 1 लाख का ट्रांसफर कर दूंगी। और आरती के पीछे है पूजा। ऐसे कर फोन, ये नए ब्लॉगर्स को सिखाना पड़ता है ऐसे ही रखना है आपको फोन, आपको फोन चेंज नहीं करना। और ये है हमारी पूजा जो बहुत सुंदर लग रही है। Guys, we are all ready. I'm wearing this gown. And सबसे सुंदर माधवी लग रही है, ये मुझसे बुलवाया जा रहा है। पैसे दिए इसके, पैसे पैसे मिले इसके, मुझे ये बोले कि वैसे मेरे उसके फेस पे परछाई आ रही है। Guys, हम इतना नाच के आए मेरे पसीने से तो आप जा नहीं सकते, ये तो ऐसा लगता है ये लोग नाचते फाचते नहीं। देखो सब सेट है और मेरा मेकअप भी तो मैंने किया है, मेरा मेकअप तो देखो आप बह रहा है। गाइस बारात आ चुकी है और हम इतने लालची लोग हैं, हम लोग आके फ्रंट रो में बैठ गए कि कुर्सी भर ना जाए। तुम लोग पास आ जाओ, अलग हमने कुर्सी चुनी और ये अलग बैठ गई। बोल दूंगी मजा आएगा। गाइस जयमाल होने वाली है थोड़ी देर में, अभी बज रहा है रात का 10। मेरा पसीना। गाइस ज्योति नहीं आ पाई है शादी में क्योंकि वो अपने ससुराल गई हुई है, तो हम उसे व्लॉग में दिखा रहे हैं। श्रेष्ठ को दिखा, श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ को दिखा, श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ को। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे झांकूंगी तो देख लूंगी। There's crying, bride mates are crying. सब रो रहे। Oh, 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 oh
रात के 1:30 बज रहे हैं गाइस, हम इतना नाचे इतना नाचे, ओ मम्मो इतना नाचे, लाइट वाइट सब बंद हो गई है। हेलो गाइस, हाय गाइस, हम बहुत थक चुके हैं, मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा कॉफी के लिए। गाइस इंटरनल जोक्स, गाइस इंटरनल जोक्स। फिलहाल हम जा रहे हैं मंडप में बैठने, पता नहीं कितनी देर बैठेंगे, भगवान जाने। ये जो लड़की ना कहाँ गई, वो आना इधर, वो मैनेजमेंट वाले, इसको इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि इतना नाचे ताकि इसकी नींद चली जाए। हमें बड़ा मजा आया, बहुत नाचे गाइस हम, बहुत। हमने डीजे का पैसा वसूल कर लिया, डीजे का पैसा वसूल किया है हमने, सब काले आ रहे हो गाइस, एक लाइट में एक। चले यार, चल पहनने का समय आ गया। चलो गाइस, लोअर टी शर्ट पहनने का समय आ गया, मैं चेंज ही नहीं कर सकती, मेरा आउटफिट नहीं है मेरे पास। जीवन की सच्चाई, लोअर टी शर्ट करेक्ट। ये क्या तू वीट का हेड कर रही है, विशाल देगा मार। गाइस आल्सो इस वेडिंग के साथ साथ ये हमारा साथ में फर्स्ट नाइट आउट है, हम पहली बार रात में, हम बहुत खुश और हम इतनी खुशी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माधवी को परेशान करके कि हंसे जा रहे हैं, हंसे आए, हमें हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, इतना हंसे हम। माधवी पूछ दिए जा रही है, मेरा नाम भी नहीं लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में तेरा नाम था गिफ्ट में, अभी आ जाएगा उसमें। हाँ, ये दोनों का यही चलता है गाइस, ये दोनों का यही चलता है, इतने देर से यही चल रहा है। हमने 100 रुपए का लिफाफा दिया है, माधवी ऐसे पोज दे रही है, ये झूठ है, मैं अभी और कह दे ये सच है, ये सफेद झूठ है, सफेद झूठ है, सफेद झूठ, खुद ही बोल रही स्वाति और अर्चना के साथ, हमें बहुत गाइस मैं इसके अलावा कुछ बोलने वाली थी। अभी के जा रही है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही है, विदाई जैसे विदाई जाए यार, पट्टे में बिठाया, काट दे, नहीं मैं तो सब डालूंगी, विदाई नहीं, गाइस वो देखो वो ऊपर, हम हेल्प कर रहे हैं ना, नहीं मत करो इतनी हेल्प, चल जाएगा मेरा व्लॉग, मैं अकेला नहीं करती, नहीं नहीं मेरे को नहीं तेरी, नहीं मेरे को नहीं चाहिए तेरी हेल्प, हेल्प कर रही है मेरी ये व्लॉग में आके, देख तो बातें इसकी। गाइस मैं, मेरे को करना ही नहीं है व्लॉग, मैं आपको मिलूंगी अब सीधे ऊपर जाके मंडप में, और तू आई नहीं रही ले, ठीक है आ गई। गाइस वी आर बैक इन आर कम्फी क्लोथ्स, इसने लोअर टी शर्ट पहन ली, अभी जॉगिंग पे जाने वाली है, बस इसके कपड़े नहीं बदले, इसने इयररिंग्स चेंज कर लिए क्योंकि वो उसको हैवी लग रहे थे, अदरवाइज हम सबने अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए, और हम अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं चाय पी के, रात के 2 बज रहे हैं और अभी तक कुछ आरंभ नहीं हुआ है, प्रचंड नहीं हुआ है। सो हम लोग अपनी अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ये लड़की कल से बोल रही है, मतलब कल से हो रही, सुबह से बोल रही है, 5 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, 6 बजे की बस पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, 2 बजे तक शादी स्टार्ट नहीं हुई, क्या पकड़ेगी भगवान, सब जा जाके सोच के। यार चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तुमने नहीं पी, वो आ रहा है ये, वो इतनी सुनहरी सुबह, तू कितने बजे उठती है सुबह, इसके अलावा हम पहली बार देख रहे हैं, तो ये बहुत दिन बाद देख, सवेरे के 5:30 बज रहे गाइस, विदाई विदाई हो गई है, ये लड़की ऐसे रोई जैसे इसकी विदाई हो रही है, और हम हाँ लिटरली हमारे फेस पे काफ़ी अच्छी नींद चढ़ी हुई है, हमने पूरी शादी देखी है, इधर बैठ के उधर बैठ के उधर बैठ के, जितना इंजॉय हमें करना था हमने कर लिया है, हमारी फ्रेंड जा चुकी है अपने घर और अब हम जा रहे हैं अपने घर, कट्टा कट्टा 6 बजे शुरू होता है गाइस, हमें 6 बजे वाला कट्टा मिल गया, तो हम फिर जल्दी पहुंच जाएंगे घर, अब ऐसी नींद भरी हुई आंखों में, अब तो मुझे तुरंत नींद भी नहीं आएगी, वो नींद आने में भी टाइम लगेगा, और अभी ट्रैवल करेंगे ना तो और नहीं आएगी, वो नींद आने में टाइम लगेगा। माधवी आप कुछ कहना चाहते हो मेरे व्लॉग में, काफी समय हो गया नहाने के बाद, अच्छे से नींद आएगी, सोने को मैंने बस, ये तो निकल जाएंगे हमारा सफर दूर। कैसे लगा माधवी आपको इतने दिन बाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, व्लॉग में आके और भी अच्छा, नाइस। कसम से हम इतने टाइम बाद मिले, इतने टाइम, मुझे लगा था इस बार मैं इसके बच्चे को देख लूंगी, बट मैं नहीं देख पाई, इसका बच्चा 2 साल का हो गया, इसके बच्चे को देख, बच्चा खुद मौसी के घर चल के जाएगा, ये बात रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड है, अब अगर नहीं हुआ ना ऐसा, तो आप गाइस आप ही कमेंट कर देना कि दीदी आपका बच्चा हम कब देखें,
भाई ये तो आज तो एपिक चीज बोल दी तूने कैमरे, मेरा दिल खुश हो गया। जाइस हम जा रहे हैं सामान उठाने, फिर हम पकड़ेंगे अपना कट्टा, ये जाएगी अपनी और हम तीन जाएंगे अपनी और। लेट्स गो गाइस, हम देख रहे हैं अच्छा सुंदर सा सबेरे का व्यू, उगता हुआ सूरज के दर्शन करते हुए। बज रहे हैं सुबह के 6, सबके सस्ते नशे हो रहे हैं, नींद के नशे हो रहे हैं हम सबको। वहाँ बैठ के इतनी बकवास कर रहे थे, ये खुली आंखों से सो रहा है कोई, और ये अर्चना को तो इतनी बकवास आ रही सुबह सुबह नींद में कि क्या बोलो। तो अभी हमारी बस को आने में 10-15 मिनट है, फर्स्ट टाइम हमारा, तो हमें पता ही नहीं 10-15 मिनट में आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हम निकल आए बैग लेके, हमने कहा चलो बाहर घूम के आते हैं। आरती आरती गाइस पैदल जाएगी लोअर के नीचे हील्स पहन के, हम अपनी थोड़ी सी नींद भगाने के लिए, थोड़ा एक्टिव करने के लिए बाहर निकल के आ गए हैं। और हम यहाँ खेत देख रहे हैं, पूरा ये खेत है। वो अंकल बहुत तेजी में आ रहे हैं। अंकल चाय तेरे को दिख रही, कहीं मिलेगी इधर 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे क्या? इधर से बस निकलेगी तो हम भी तो इधर ही जा रहे हैं आगे, तू खड़ी रह, रोक लेना। अरे ये अर्चना पागल हो गई गाइस, सुबह सुबह उसका दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, खराब हो चुका है उसका दिमाग। जंग लग गई थी, टपरी टपरी पे बैठ, टपरी पे कोई चाय वाला होता तो और अच्छा रहता। मस्त रही गाइस हमारी शादी, मस्त रही हमारी शादी, मस्त रही, बढ़िया रही हमारी शादी, और हमने बहुत मजे उड़ाए। रात में तो हमने बहुत ही ज्यादा मजे उड़ा लिए, मस्त नाचे वाचे सब, बंद नहीं हो गए संतोष, हमने बहुत जब तक, हाँ जब तक लाइटें वाइटें बंद नहीं हो गई हमने बहुत एंजॉय किया। रात भी अच्छी कटी, मजे आए, खूब मजे उड़ाए, अच्छी रही वेडिंग, घर जा रहे हैं। ओके बाय। हाय गाइस, इट्स 3 इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग में मैं 7:30 और 8 घर पे आई थी, हमें बस नहीं मिल रहा था, काफ़ी देर हमने ट्राई किया, तो लकीली एक ऑटो आ रहा था, तो ऑटो भी इसी साइड आ रहा था जिस साइड हमको आना था, तो हम उसमें आ गए। और मैं घर आते ही क्रैश हो गई हूँ, लाइक इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मैंने फटाफट से फेस वेस वॉश किया, मम्मी से थोड़ी बात की और मैं सो गई। और जब मैं उठी हूँ ना तो मैंने एकदम टाइम देखा तो 2 बजने वाला था, और लाइक मैं सच में इतना सो गई हूँ, बट अभी मेरी नींद कम्प्लीट नहीं हुई है, मुझे अभी भी नींद आ रही है। बट उसके बाद मैं उठी है, मैंने यहाँ पे बनाया है चीला और दही, मैं खाने वाली हूँ, मेरा लंच नहीं हुआ अभी, तो मैं हैव माय लंच। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो देन मैं काम वाम करूँगी, थोड़ा निपटाना है क्योंकि सुबह से सब बस लेटे हुए थे। भाई भी सुबह लेट आया क्योंकि वो गया हुआ था अपने वर्क पे, एंड देन सब बस सो ही रहे थे। तो अभी जैसे उसके मैंने लंच बनाया है ना, मेरा हैव इट, घर का काम करेंगे, ट्यूशन्स पढ़ानी है, मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा मन कर रहा है खा के फिर मैं 1-2 घंटे की अच्छी से नींद ले लूँ। लेट्स सी आई अपडेट यू कि आगे क्या होता है, बट नाउ आई हैव माय लंच फर्स्ट। गाइस करेंटली इट्स 7:20, मैं जस्ट अभी अपना पूरा काम करके फ्री हुई हूँ, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइक जहाँ पे आप खड़े हो जाओ ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सर के ऊपर एक पर्सनल फैन की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट ओवरऑल आफ्टर माई 17 डेज ट्रैवल, एंड उसके बाद जो आके क्योस चल रहा था साइड में, उसके बाद दिस वेडिंग इज अ मच नीडेड थिंग, जो मैंने रिबॉन्ड किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, रियली ये टाइम मुझे चाहिए था। और अर्चना से तो मैं लास्ट मिली थी, बट आरती और माधवी से लाइक मैं उनसे बहुत टाइम बाद मिली थी, एंड हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी, हम लोगों ने बहुत, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कॉलेज में थे ना, हम सेम थे, हमारे बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, लाइक हमारी इतने टाइम से बात भी नहीं हो रही थी, मेरी और आरती की तो काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, माधवी से तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात चल रहा था, बट आरती से मेरी काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई थी। लेकिन जब हम कल मिले हैं ना, तो हम लिटरली सेम वही थे जो हम कॉलेज में थे, हमने सेम वैसे एक दूसरे को टीज कर रहे थे, आरती और माधवी का तो चल ही रहा था, सो आई रियली एंजॉयड दैट टाइम, हमने बहुत मज़े किए। बट आई जस्ट वॉन्ट एंड दिस व्लॉग ऑन अ हैप्पी नोट, गुड नोट, बिकॉज बैक ऑफ द एंड लाइक बहुत क्योस चल रहा है लाइफ में, मैं सोच रही हूँ एक मेरा काम खत्म हो तो मैं दूसरा समेटूँ, या मैं थोड़ा दिमाग से फ्री हो जाऊँ तो मैं बाकी चीज़ें मैनेज करूँ, बट लिटरली यू गाइस एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, सो आई एम नॉट गोना शेयर हेयर इन दिस व्लॉग क्योंकि मैं इसको अच्छे से ख़त्म करना चाहती हूँ। बट लिटरली अभी जो क्योस हुआ है ना एकदम से अचानक से, वो मतलब बहुत
डिफरेंट है. मतलब दो दिन में मेरा बर्थडे, दो दिन में भी नहीं, एक दिन में मेरा बर्थडे है. आई हैव जीरो एक्साइटमेंट, आई हैव नो टाइम टू प्रेप और समथिंग लाइक फॉर द एक्साइटमेंट भी मेरे पास अभी इस वक्त टाइम नहीं है. और अभी जो हुआ है ना उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट भी करूंगी या मैं कुछ करने भी वाली हूँ. लाइक मैंने लिटरली सोचा था कि मैं ये वेडिंग करके आ जाऊं, उसके बाद एक दो दिन में, दो दिन जो मेरे पास बचेंगे मैं थोड़ा सा कुछ सोचूंगी, मतलब कुछ नहीं तो अपने आप को ही थोड़ा सा अच्छा फील करा लूंगी तो मुझे लगे कि हाँ मेरा बर्थडे है. बट आई थिंक वो भी अब पॉसिबल नहीं है. सो मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों मैं परेशान हूँ, क्या दिक्कत है. सो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा. फिलहाल आई एम हाई मच स्वेटिंग, आप देख सकते हो, मतलब दिमाग ही मेरा खराब हो चुका है. आई वांट टू टेक शावर एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर. आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग. इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट तब सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने ध्यान रखो, अपने आस पास ध्यान रखो, खुश रहो. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस. यू ही आता रहो, प्यार देता रहो, अच्छा लगता है. बाय.